जब तानाजी का ट्रेलर रिलीज हुआ तो कई लोग ट्रेलर में मुगलों के वास्तविक चित्रण को देख इतना बौखला गए कि उन्होंने थैंक्स मुगल्स ट्विटर पर ट्रेंड कराना शुरू कर दिया। इसमें उन्होंने विशेष रूप से बताया कि कैसे मुगलों ने मुगले शैली के भोजन से भारत को समृद्ध कराया और क्यों भारतीयों को हर स्थिति में मुगलों का आभार प्रकट करना चाहिए। उदाहरण के लिए द इंडियन एक्सप्रेस की पूर्व पत्रकार इरिना अकबर ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए मुगलों की वाहवाही करते हुए बताया कि कैसे मुगलई भोजन ने भारतीय व्यंजन की शैली में परिवर्तन किया और कैसे मुगलई भोजन के कारण भारतीय भोजन विश्व प्रसिद्ध हुआ। कई लोगों के ट्वीट शेयर करते हुए उन्होंने यह जताने का प्रयास किया कि कैसे मुगलों के कारण बिरयानी आई, कैसे मुगलों के कारण मुगलई पराठा, कबाब, सीख कबाब इत्यादि आए। एक ट्वीट शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के अस्तित्व के पीछे मुगलों जैसे मुसलमान शासकों का ही हाथ है, क्योंकि मुगलों ने दिल्ली का निर्माण किया। इरिना अकबर के विचारों का मानो अनुमोदन करते हुए द इंडियन एक्सप्रेस ने एक लेख छापा जिसका शीर्षक था बाबर से जहांगीर तक, कैसे भारतीय व्यंजन को मुगलों ने समृद्ध बनाया। इसे लिखने वाले कौशिक दास गुप्ता कहते हैं, जब बाबर के पुत्र हुमायूं को शेरशाह ने भारत से बाहर निकाल दिया तो उसने फारस में शरण ली। अपने पिता के ठीक उलट मुगल सम्राट हुमायूं ने भारतीय रसोइयों की नियुक्ति की। उनके बेटे अकबर के शासन के लेखा जोखा बताने वाले आईन ए अकबरी उन व्यंजनों को सूचीबद्ध करता है जो बड़ी मात्रा में केसर और एसोफेडिटा यानी कि हींग का उपयोग करते थे। मुगलों ने एक सुनियोजित आपूर्ति के अंतर्गत अपने रसोइयों को ऐसे मसाले उपलब्ध कराने के लिए इन पौधों की खेती की। कोलिहंगम लिखते हैं, हींग देश में शाकाहारियों के साथ लोकप्रिय हो गया। जब इसे तेल में पकाया जाता था तो इससे एक घरिष्ठ स्वाद उत्पन्न होता था जिसके कारण प्याज और लहसुन के लिए एक अच्छा विकल्प यह बन जाता था जो कि हिंदुओं के लिए वर्जित था। हुमायूं के बेटे अकबर ने अपने दादा के विपरीत देश के शिष्टाचार और रीति रिवाजों के लिए एक आत्मीयता विकसित की। इसी तरह जहांगीर अपने संस्मरण तुजुके जहांगीरी में लिखते हैं, जब कई दिनों तक बिना मांस के रहना पड़ता था तो खिचड़ी एक ऐसी चीज थी जिसे खाकर मैं गुजारा करता था। शराब के विरुद्ध अपनी लड़ाई के दौरान भी खिचड़ी उनका सहारा थी। जोसेफ गोयबल्स ने एक बड़ी सही बात कही थी, एक झूठ का इतना प्रचार करो, उसे इतना फैलाओ कि लोग उसे सच समझने लगे। ठीक यही बात मुगलई भोजन के प्रति लागू होती है। जो भोजन शैली बिना भारतीय मसालों के अधूरी लगे उसे एक अनोखा व्यंजन कहना अपने आप में हास्यास्पद है। सच कहें तो मुगलई भोजन अपने आप में एक विरोधाभासी शब्द है, क्योंकि भारतीय सामग्री के बिना यह शैली अस्तित्व में ही नहीं हो सकती थी। पहले बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के लेख की। धार्मिक एकता को बनाए रखने की जुगत में लेखक ने कहीं ना कहीं अपने खुद की विचारधारा के साथ साथ इस बात को भी उजागर किया है कि कैसे मुगलई भोजन का आधार भारतीय भोज्य पदार्थ ही है। अगर वास्तविकता की बात करें तो बाबर को भारतीय संस्कृति और भारतीय व्यंजन से काफी घृणा थी। उन्हें समरकंद की शैली में बना भोजन ही प्रिय लगता था और कहते हैं कि अपने पैतृक स्थान से मिलने वाले खरबूजों की उन्हें बड़ी याद आती थी। बाबरनामा में स्वयं बाबर ने भारतीय संस्कृति का उपहास उड़ाते हुए लिखा है, हिंदुस्तान में आकर्षण बहुत कम है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, सामाजिक आदान प्रदान, भुगतान और प्राप्त करने के लिए वहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई प्रतिभा और क्षमता नहीं है, कोई शिष्टाचार नहीं, हस्तकला और कार्य में कोई रूप या समरूपता, विधि या गुणवत्ता नहीं है, कोई अच्छा घोड़ा, कोई अच्छा कुत्ता, कोई अंगूर, कस्तूरी या पहले दर्जे का फल, बर्फ या ठंडा पानी, कोई अच्छी रोटी या बाजरे में पका हुआ भोजन, कोई गर्म स्नान, कोई मदरसा, कोई मोमबत्ती या मशाल उपलब्ध नहीं है। रही बात मुगलों द्वारा बिरयानी को लाने की, तो बिरयानी का असली स्वाद उसके मसालों के प्रचुर मिश्रण में है और उसके मूल सामग्री यानी कि चावल में है, जो मुगलों के मूल स्थान उज्बेकिस्तान में पाया जाना लगभग ना के बराबर है। चावल के लिए एक अनुकूल तापमान, पर्याप्त पानी और आर्द्रता से भरपूर वातावरण की आवश्यकता होती है और वह दक्षिण एशिया और पूर्व दक्षिण एशिया में ज्यादा पाया जाता है। ऐसे में यह कहना कि बिरयानी का अस्तित्व मुगलों के बिना अकल्पनीय है ना केवल हास्यास्पद है बल्कि वास्तविकता से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस ने जिस प्रकार से अकबर के शासन में मुगलई
भोजन के प्रचार प्रसार की बात की थी, वो ये भूल रहे हैं कि अकबर ने राजस्थानी व्यंजन से प्रभावित होकर उसे शाही भोजन में ना केवल शामिल कराया बल्कि उसी भोजन में उपयोग किए गए मसालों के अनोखे मिश्रण से मुर्ग मुसल्लम जैसे व्यंजन भी इजाद किए। कल्पना कीजिए, यदि भारतीय मसाले और भोज्य सामग्री ना होती तो मुगलई भोजन का क्या होता। अब इरेन अकबर के उस बयान की बात करें जहां उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि मुस्लिम शासकों के बिना दिल्ली का कोई अस्तित्व नहीं था। यह पढ़कर इंद्रप्रस्थ स्थापित करने वाले पांडव और किला राय पिथौड़ा और धिलिका की स्थापना करने वाले राजा आनंद पाल तोमर और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आत्माएं ठहाके मारकर जरूर हंस रही होंगी। सच तो यह है कि जो इतिहास का भाग हमसे इरेना अकबर जैसे वामपंथी विचारधारा के बुद्धिजीवियों ने छुपाने का प्रयास किया था वो अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। अब चाहे ये कुछ भी कर ले पर झूठ को इतिहास बनाकर परोसने की कला को हमने स्वीकारना अब बंद कर दिया है। मुगलई भोजन का अस्तित्व भारतीय भोज्य पदार्थों के बिना असंभव है, चाहे आप जितना भी प्रोपेगेंडा फैला लें।